Today's topic is psychosocial factors in work-related musculoskeletal disorder. Psychosocial factors, कैसे describe करेंगे? How to describe? Definitely, when we are work in the organization or we are work in a company in a working organization. उसकी वजह से जो ऑर्गोनोमिकली रिस्क फैक्टर होते हैं जो बाय द वर्कर बाय द मैनेजर जो साइकोसोशली आपके अफेक्ट करते हैं आपकी बॉडी को वो होते हैं वैसे कि साइकोसोशल फैक्टर साइकोसोशल फैक्टर ऑर्गोनोमिकली रिस्क फैक्टर दैट डिस्क्राइब हाउ ऑर्गेनाइजेशन परसीव बाय द वर्कर एंड द मैनेजर ठीक है डिवाइड इनटू टू कैटेगरी थ्री कैटेगरीज बेसिकली क्या होती है थ्री कैटेगरीज होती है इसके अंदर द फैक्टर एसोसिएटेड विद द वर्क एनवायरनमेंट वो फैक्टर जो आपके काम के एनवायरनमेंट के अंदर इन्वॉल्व हो वो फैक्टर जो एक्स्ट्रा काम एनवायरनमेंट के अंदर हो वो फैक्टर जो करेक्टरिस्टिक ऑफ द वर्कर हो डेफिनेटली ऑल वर्कर और ह्यूमन बींग जो भी एक वर्क ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करते हैं वो ना mentally same होते हैं work करते हैं ना physically everyone have a own way of the work or everyone have a own the way of the characters of the workers ठीक है these are the three categories जिसके अंदर divide हुए हैं किससे psychosocial factors affect करते हैं body के अंदर and lead to the musculoskeletal disorders demand control support क्या होती है this is the demand control support it's a model it's a theoretical model for identifying relationship between the psychosocial factor and work related musculoskeletal ye kya demand control support ka matlab hai for example if person have a capability to do the one fight matlab ek agar for example person hai aur uske andar capability hai ek physiotherapist hai uske andar capability hai wo 10 अगर जो है ना ओपीडी के अंदर 10 पेशेंट आ रहे तो वो 10 5 की कैपेबिलिटी रखता है करने की लेकिन उसकी डिमांड क्या है उसके अंदर जो फ्लो है या फिर उसके 15 का है तो उसके अंदर क्या होगा साइकोसोशल फैक्टर्स और वर्क रिलेटेड डिसऑर्डर्स आ जाएंगे डेफिनेटली ठीक है तो दीज आर द बेसिकली द डिमांड कंट्रोल सपोर्ट मॉडल की डिमांड और कंट्रोल और उसकी सपोर्ट मॉडल क्या होती है इसका जो इंटरलिंक होती है दो होती है साइकोसोशल फैक्टर वर्क रिलेटेड डिसऑर्डर साइकोलॉजिकल डिमांड हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द वर्कर इफ दे अकर जॉइंटली विद द लो डिसीजन लैटिट्यूड अप्रोच टू यूज एंड डेवलप वर्क एट वर्क सपोर्ट सोशल मीन सपोर्ट अवेलेबल वर्क प्लेस साइकोसोशल डिमांड का मतलब है कि एडवर्स इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट अगर लो लैटिट्यूड से ज्वाइन करे मतलब एक अपॉर्चुनिटी उसको यूज करने की हो और एक स्किल वर्क उसके अंदर डेवलप हो और उसके साथ सोशली जहाँ पे वो वर्क कर रहा है वो उसके उसका जो अवेलेबल सपोर्ट हो उसको लोग सपोर्ट भी करेंगे दैट्स के अगर बहुत ज्यादा काम है तो उसको डिवाइड कर लिया तो दीज आर द बेसिकली डिमांड कंट्रोल सपोर्ट मॉडल होता है जिसके अंदर ये दोनों वर्क करते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर स्ट्रेटजीज क्या होती है स्ट्रेटजीज बेस करती है कि कॉग्निटिव बिहेवियर साइकोथेरेपी फ्रेम ऑफ द वर्क दिस इज द बेसिकली साइकोथेरेपी का फ्रेमवर्क क्या है व्हाट डू यू थिंक आप क्या सोचते हैं हाउ यू फील What do you do? आप फील क्या करते हो आप करना क्या चाहते हो ठीक है दिस इज बेसिकली कॉग्निटिव बिहेवियर यही होता है ना कि आप सोचते क्या हो आप फील क्या करते हो आप करना क्या चाहते हो ठीक है दिस इज द बेसिकली स्ट्रेटजी फोकस ऑन द सोर्स ऑफ स्ट्रेस एंड एग्जामिन द एट्रिब्यूशन स्टाइल आफ्टर द सिम्टम एंड स्ट्रेस अकर डेफिनेटली अगर स्ट्रेस के सिम्टम्स आ रहे हैं और जो है ना फोकस होना चाहिए कि वो स्ट्रेस जो है आ कहाँ से रहा है कि बेसिकली व्हाट इज द कॉजेस कि वर्क एटीट्यूड से आया है वर्क के लोड से आया है सपोर्ट नहीं अगर ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट नहीं है उसकी वजह से आ रहा है तो व्हाट इज द कॉजेस ठीक है टेक्निक क्या यूज कर सकते हैं डेफिनेटली रिलैक्सेशन एक्टिविटी पेसिंग कॉग्निटिव रिस्ट्रिक्टिंग मेंटल इमेजिनरी कि आप अपने आप को कैसे जो है ना रिलैक्स कर सकते हैं उससे कि डेफिनेटली स्ट्रेस थेरेपी
और मैनेजमेंट ऑफ द स्ट्रेस के आप इसको कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है, दीज आर द बेसिक स्ट्रेटजीज. Basically, introduction, psychosocial issues in the workplace, including the risk factor of your ergonomical, as well, during the ergonomical assessment. National Institute of Occupational Safety and the Health and International Labor Office propose a psychological risk factor. The role of psychological risk factor, important intervention, prevention of the disability. Definitely, psychosocial issues होते हैं जो आपके society की वजह से psychological effect करते हैं, वो आपके वर्क प्लेस के अंदर डेफिनेटली इश्यू क्रिएट करेंगे. ये दो ऑर्गेनाइजेशन है विच इज उन्होंने प्रपोज किया था साइको सोशल इश्यूज को, रिस्क फैक्टर्स को. डेफिनेटली अगर साइको सोशल रिस्क फैक्टर आपके इंटरवेंशन और प्रिवेंशन डिसेबिलिटी को कर सकते हैं, अगर ये रिजॉल्व हो जाए तो डिसेबिलिटी खत्म हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है. हैंडबुक लीग एम्फाइसिमा साइकोसोशल वर्क जो है ना वर्कर के परसेप्शन पे फैक्टर पे डिपेंड करता है. साइकोसोशल वर्क जो होता है वो डिपेंड करता है वर्कर के परसेप्शन पे, ठीक है. अब ऐसा तो नहीं है ना सबको साइकोसोशल, कुछ लोग उस वर्क को क्या करते हैं मेंटली वो नहीं करते, ऑफिस का जो बर्डन होता है ऑर्गेनाइजेशन का, दे नॉट इन द उसको स्ट्रेस इतना हो, वो इजीली वर्क कर सकता है, अपने आप को रिलैक्स कर सकता है. डेफिनेटली ऐसे साइकोसोशल जो फैक्टर्स होते हैं आपके, वो डिपेंड करता है वर्क की परसेप्शन पे, वो कैसे सोच रहा है. साइकोसोशल फैक्टर वर्क डिस्क्राइब हाउ द ऑर्गेनाइजेशन परसीव बाय द वर्कर मैनेजर. As you know that nature of work क्या है, process क्या है, dealing of way क्या है, ऐसे ऐसे जो तीन factors हमने पढ़े थे कि उसकी तीन categories आती हैं कि factor work से associate करता है या extra work से करता है या worker की characteristic. इसका मतलब यही है कि characteristic, इसका मतलब है कि demand of the work perception, worker perception के sorry depend on the worker perception. कि वो वर्कर परसेप्शन किस चीज से ले रहा है, ठीक है, वो डिपेंड करता है वर्कर की करेक्टरिस्टिक पे. अब सबको तो मस्कुलोस्केलेटन डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी नहीं होती ना, सम पीपल है, वो डिपेंड करता है उसके करेक्टरिस्टिक कि हाउ टू गेट द वर्क. वर्क एनवायरनमेंट साइकोसोशियल वर्क एनवायरनमेंट रिस्क इंक्लूडिंग क्या क्या रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड हो सकते हैं साइकोसोशियल वर्क एनवायरनमेंट के अंदर. डेफिनेटली करेक्टरिस्टिक द जॉब, करेक्टरिस्टिक जॉब का मतलब है वर्क लोड कितना है, जॉब का कंट्रोल, बॉस के अंदर जो है पर्सन जो है एक एक चीज, सम ऑर्गेनाइजेशन में एक एक वर्ड पूछा जाता है, रिपीटेशन, मेंटल एंड कॉग्निटिव डिमांड, मोनोटोनियस टास्क. और दूसरी चीज होती है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, मतलब कम्युनिकेशन इश्यूज होते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वर्क, रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयर, सुपरवाइजर एंड को वर्कर. डेफिनेटली अगर आपके को वर्कर और सुपरवाइजर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होते तो दे हैव कि आपको मेंटली टॉर्चर्स होते हैं, ठीक है. और टेम्पोरल एस्पेक्ट ऑफ द वर्क, शिफ्ट वर्क, मतलब साइकिल ऑफ द टास्क, शिफ्टिंग, नाइट शिफ्ट रख देते हैं वर्क ऑफ द, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड साइकिल टाइमिंग टास्क है कि आपको इतना टाइम है और इतने टाइम में आपको इतना वर्क करके देना है. फाइनेंशियली इकोनॉमिकली डेफिनेटली बहुत सारे लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं, उनकी जॉब उतनी हैक्टिक्स होती है लेकिन उनको सैलरी और बेनिफिट्स को नहीं मिलते, जैसे लेबर हमारे यहाँ लेबर का काम है, ठीक है, जैसे बाहर के मुल्क में लेबर की बहुत वैल्यू है लेकिन यहाँ पे नहीं है, ठीक है. कम्युनिटी एक्सेप्ट ऑक्यूपेशन, प्रेस्टीज स्टेटस क्या है कि उसका स्टेटस भी वर्क एनवायरनमेंट पे वो करता है. तो दीज आर द बेसिकली साइकोसोशल वर्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो इंक्लूड होते हैं कॉलम, ठीक है. एक्स्ट्रा वर्क एनवायरनमेंट के अंदर जो है दैट कम फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द वर्क, के आपके वर्क से रिलेटेड नहीं हो, जैसे रिलेटेड विद द वर्क विद द लाइफ रोल सच एज़ द पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शन विद द फैमिली. एक्स्ट्रा वर्क एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि ऑफिस का वर्क नहीं, दे के अगर वो सिंगल पेरेंट है, दे आर डूइंग जॉब एंड ऑल्सो हैव टू वर्क एंड ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, दीज आर द बेसिकली एक्स्ट्रा वर्क एनवायरनमेंट. इंडिविजुअल वर्कर कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है द जेनेटिक फैक्टर,
एंथ्रोपोडिक कैरेक्टरिस्टिक, जेंडर इंटेलिजेंस के जेंडर क्या है, फीमेल है मेल है, इंटेलिजेंस उसको कितना इंटेलिजेंट है, और दूसरा एक्वायर्ड एसेप्ट क्या होता है, सोशल क्लास कल्चर एजुकेशनल फैक्टर्स के उसको कितनी पढ़ी हुई है, कि उसको कितना पढ़ा हुआ है, एजुकेशन के उसको कितना आता है. दिस इज द बेसिकली डिस्पोटेशन का मतलब है पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड द लाइफ एंड द वर्क, रेस्पॉन्सिबल है या नहीं है, कि अपने वर्क को सीरियस ले रहा है या नहीं है, कि समटाइम द दे डोंट वांट टू जस्ट अर्न द मनी, दे वर्क लाइक अर्न द मनी, कि हमें मुझे पैसा कमाना है बस, और मुझे जो है ना दे डोंट वांट टू गुड एटीट्यूड टुवर्ड द वर्क एंड द लाइफ. ठीक है, दीज आर द कॉल इंक्लूडिंग द वर्कर कैरेक्टरिस्टिक. WHO and ILO jointly organization vulnerability psychological factor 3-5 categories ke andar unhone dala hai. WHO ne World Health Organization 5 categories ke andar wo kya hai, physical environment factor intensive to the job workload and the work design, arrangement of the work time hour to work and the shift, management of operating practice role of the worker, worker relationship at the work, technological changes. These ye kitne ne wo risk factor diye, these are the called according to the WHO. Again, psychosocial and work related disorder, as you know that ki humne report kiya tha, the 5 psychological jo psychosocial factors hote hain wo mainly back in the upper extremity ke andar jo hai आपके मस्कुलोस्केलेटन पार्ट करते हैं, जिसके अंदर आपके आते हैं जॉब सर्टिफिकेशन, इंटेंसिफाइड वर्कलोड, मॉनिटर्स वर्क, जॉब कंट्रोल, सोशल सपोर्ट. ये NIOSHO जो हमने पीछे हमने वर्क ऑर्गेनाइजेशन का नाम पढ़ा था उसे क्या था, दिस इज द बेसिकली स्ट्रॉन्गर सपोर्ट फॉर रिलेशनशिप बिटवीन द साइकोसोशल एंड द वर्क रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटन डिसऑर्डर इन द बैक नेक एंड द शोल्डर. दिस इज बेसिकली बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है कि आपके साइकोसोशल वर्क जो है डेफिनेटली बैक नेक एंड शोल्डर के इंटर रिलेशनशिप है, कि अगर साइकोलॉजिकल फैक्टर इफेक्ट करेगा तो डेफिनेटली वो मस्कुलोस्केलेटन ज्यादातर जो होगा बैक नेक और शोल्डर एरिया में कॉज होंगे. जॉब सर्टिफिकेशन का मतलब है कि लो लेवल ऑफ जॉब सर्टिफिकेशन associated with the high level of upper extremity muscular disorders. ठीक है, अगर maybe अगर for example one of the cause is the low level of job satisfaction, वो satisfied नहीं है job से, तो उसके chances है कि upper extremity के musculoskeletal के symptoms आए. ठीक है, intense workload हो, definitely वो ज्यादा job satisfaction नहीं है उसको mental psychological, तो उसके chances है कि उसके upper extremity के musculoskeletal के symptom ज्यादा हो. ठीक है, most consequently associated with the work related musculoskeletal disorder is major and perceived time, the pressure workload and the pressure work. Hartman colleagues report the past piece of the work had a significant relationship with the work related musculoskeletal disorder primary cause of back symptoms. अब ये एक साइंटिस्ट है, उसे रिपोर्ट किया था कि अगर द फास्ट पीस ऑफ वर्क सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर के, तो वो प्राइमरी कॉज करेगा बैक सिम्टम के. फास्ट का मतलब है कि जल्दी जल्दी काम, कि उसके पास टाइम कम है, उसको जो है असाइनमेंट जल्दी देना है, तो उसके चांसेस है कि बैक के सिम्टम आए. ठीक है, वर्कलोड के दो टाइप्स होते हैं, क्वांटिटेटिव कि लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क हो, क्वालिटेटिव का मतलब है स्मॉल होगा बट इट्स डिफिकल्ट. अगर लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क होगा तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, बायोमेकेनिकल जो फैक्टर्स होंगे उसको स्ट्रेस देगा. जैसे आप एक कंप्यूटर के ऊपर 3-3, 4-4 घंटे बैठ रहे हो, तो आपके चांसेस है कि आपके बैक सिम्टम्स हो, नेक सिम्टम्स हो. ठीक है, क्वांटिटेटिव वर्कलोड क्या होता है कि बहुत कम टाइम होता है, लेकिन इतना मेंटली उसको क्या होता है, मेंटली और ओवरऑल वेलबींग के इफेक्ट करता है. यही होता है ना, क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि आप मेंटली उसके अंदर कॉग्निटिव जो थिंग्स होती है वो ज्यादा यूज होता है. क्वांटिटी का मतलब होता है कि उसके अंदर टाइम बहुत, लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क होता है, लॉन्ग आवर्स, हैज टू वर्क, आपके बायोमैकेनिकल फैक्टर्स को, स्ट्रेस को इफेक्ट करता है. जो क्वालिटी होती है वो मेंटली साइकोलॉजिकल ओवरलोड होता है और ओवरऑल वेलबींग की बात होती है. ठीक है, दिस इज द जॉब सर्टिफिकेशन
मोंटोशियस वर्क का मतलब है कि जो आपके इंडिविजुअल आप एक ही बंदे हो जो जिसको आप मल्टीपल फैक्टर्स काम करने हैं, ठीक है, जैसे एक बंदी है ये 7-8 कॉल्स ले रही है, दिस इज कॉल्ड द मोंटोशियस वर्क। डेफिनेटली ये क्या करेगा, अगर मोंटोशियस वर्क कॉज है तो क्या करेगा, एसोसिएट करेगा नेक या लोअर बैक पेन के सिम्टम्स। जॉब कंट्रोल इज ऑल्सो द रिस्क फैक्टर। Mostly, जो जॉब कंट्रोल होती है, रिसर्च ने रिसर्च किया है कि साइको सोशल फैक्टर्स इफेक्ट करती है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर के। द अल्बर्ट हैल्टन कोलीग्स रिपोर्ट उन्होंने रिसर्च की थी, रिपोर्ट किया था कि लो बैक सिम्टम्स एसोसिएट करते हैं द लैक जॉब कंट्रोल एंड द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीमिटी डिमांड वर्क। अपर बैक सिम्टम्स में इमोशनल एंड इंटरपर्सनल फैक्टर, एक साइंटिस्ट ने उसने बोला था कि जो लो बैक सिम्टम्स एसोसिएट करते हैं कि द लैक ऑफ द जॉब कंट्रोल एंड प्रेजेंस, अगर फॉर एग्जांपल एक पर्सन है उसको जो है एक्सट्रीमली डिमांड वर्क ज्यादा है और जॉब कंट्रोल कम है तो उसके चांसेस है कि लो बैक पेन हो, और अगर अपर इमोशनल इंटरपर्सनल फैक्टर्स उसके अंदर आएंगे तो उसको चांसेस है कि अपर बैक के मतलब थोरैसिक रीजन के सिम्टम्स ज्यादा हो। जॉब सेटिस्फिकेशन के अंदर दूसरी चीज आती है आपकी सोशल सपोर्ट। पुअर सोशल सपोर्ट आपके डेफिनेटली सिम्टम को इंक्रीज करेगा। सोशल सपोर्ट और सिम्टम अनक्लियर है, बैगोज एंड द कोलीग्स एंड द लियनो एंड द हैनिन रिपोर्ट dissatisfaction with the associate social relationship at work, prediction the report of musculoskeletal, and definitely agar satisfaction nahi hai social relationship work ke andar nahi hai to definitely chances hai usko musculoskeletal ke symptoms aaye। Theories explain between the relationship psychosocial work related disorders, kuch theories are mostly theory psychological have the cause। फोर मेन थ्योरीज हैं जो उसके ऊपर है रिलेशनशिप बिटवीन द साइकोसोशल फैक्टर एंड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्सप्लेनेशन के जो साइकोसोशल फैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, मसल टेंशन को इंक्रीज करते हैं, वो इंक्रीज करते हैं मसल टेंशन को, वो क्या करती है मस्कुलोस्केलेटल जो सिम्टम है उसकी बायोमैकेनिक्स के अंदर स्ट्रेन क्रिएट करती है, उसकी वजह से क्या होता है मेंटली स्ट्रेस कॉज होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमायोग्राफ एक्टिविटी जो होती है अर्गोनॉमिकली लोड और साइकोलॉजिकल लोड की वजह से इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोमायोग्राफ की एक जो है बेसिकली एग्जामिनेशन की टाइप है जो आप इलेक्ट्रोथेरेपी के अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके अंदर क्या होता है जो मसल्स होते हैं मस्कुलोस्केलेटल जो मसल्स होते हैं उसके अंदर जो सिम्टम जो एक्टिविटी होती है उसको देखने के लिए कि हार्ट से वर्किंग और नॉट, कि अगर जैसे नर्व्स हाथ के अंदर नर्व सप्लाई हो रही है और उसके अंदर आपको वॉक कर रहे हैं उसके अंदर ये करते हैं कि चेक करते हैं कि ये वॉकिंग जो है आपकी ये जो सही तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है जो आउट हो रहे हैं या नहीं आ रहे, तो ये बेसिकली क्या करते हैं आपके एक्टिविटी चेक करते हैं, ठीक है। सॉटर एंड सॉन सजेस्ट किया था इकोलॉजिकल मॉडल डिस्क्राइब अ पाथवे लीडिंग फ्रॉम द वर्क ऑर्गेनाइजेशन द मस्कुलोस्केलेटल आउटकम ऑन द वॉर ऑफिस वर्कर मॉडल बेस्ड ऑन द रिसर्च स्पेसिफिक पॉपुलेशन कंप्यूटर वर्कर आइडेंटिफाई द डायरेक्टली पाथ बिटवीन द टेक्नोलॉजी टूल्स एंड द वर्कर बोथ फिजिकली डिमांडिंग टू द इकोनॉमिकल एंड वर्क ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेटली सॉर्टर एंड सॉन एक सजेस्ट किया था कि इकोलॉजिकल मॉडल, इकोलॉजिकल का मतलब होता है कि इकोसिस्टम, अगर वर्क ऑर्गेनाइजेशन एक पार्क के अंदर और ऑफिस वर्कर के अंदर जो है काम करेगा तो डेफिनेटली उसके चलते मस्कुलोस्केलेटन का आउटकम ऑफिस वर्कर के अंदर हो। मॉडल बेस करता है रिसर्च स्पेसिफिक, उन्होंने क्या किया था कंप्यूटर वर्कर्स को सिर्फ क्या किया था मॉडल बनाया था, डायरेक्टली पाथ किया था कि वर्क टेक्नोलॉजी वर्क एंड टूल्स एंड फिजिकल डिमांड कितनी ऑर्गोनॉमिकल कितना वर्क कर रहा है और वर्क ऑर्गेनाइजेशन पे उस पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, दिस इज बेसिकली थ्योरी। डायरेक्टली पाथ उन्होंने क्या था फिजिकल डिमांड एंड द वर्क ऑर्गेनाइजेशन, दिस पाथ सजेस्ट दैट डेफिनेटली अफेक्ट दो वे से करेगा, एक तो
काम मतलब हैंड वर्क फिजिकली, और दूसरा क्या है कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस. स्ट्रेस इंक्रीज होगा तो मसल टेंशन इंक्रीज होगी, ऑटोनोमस प्रोसेस ऐड होगा और बायोमैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है ना, जो स्ट्रेन और स्ट्रेन है बायोमैकेनिकली वो एक्ट होंगे. दूसरा कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस मेडिएट होगा, बायोमैकेनिकल स्ट्रेंथ मस्कुलर सिम्टम जो है क्रिएट होंगे. मस्कुलोस्केलेटन डिसऑर्डर जो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं, जिसके अंदर मेडिकल सोशल कल्चर लीगल कॉम्पोजिट सिम्टम एंड द वर्क प्लेस रिलेशनशिप जो है सारे ये सब चीजें क्या करते हैं, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं मस्कुलोस्केलेटन डिसऑर्डर को इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है. डिमांड कंट्रोल सपोर्ट साइकोलॉजिकली डिमांड जो है एडवर्स इफेक्ट वर्क के अंदर करता है. अगर लो डिसीजन एटीट्यूड जैसे मैं पीछे पड़ा था, ठीक है, लो डिसीजन एटीट्यूड क्या करता है कि एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी टू डिसाइड व्हाट टू डू हाउ टू डू, लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल डिस्क्रिशन अपॉर्चुनिटी टू यूज एंड डेवलप स्किल एंड द वर्क. सपोर्टिव अवेलेबल सपोर्ट के बहुत प्रेस के अंदर सपोर्ट अवेलेबल हो के डिमांड एंड अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम. दिस इज बेसिकली सेग्रेटिक एफर्ट रिवार्ड इम्बैलेंस सिम्टम मॉडल है. ये कॉम्बिनेशन ऑफ हाई लेवल ऑफ एफर्ट एक्सपेंड द लिटरल रिवार्ड रिसीव मनी एंड द कैरियर अपॉर्चुनिटी पैथोलॉजिकल इफेक्ट ऑन दैट. इट्स अ साइंटिस्ट इम्बैलेंस मॉडल है. डेफिनेटली अगर हाई लेवल ऑफ एफर्ट है और उसको एप्रिसिएशन नहीं है, रिवार्ड नहीं है, ना उसको सही तरीके से सैलरी मिल रही है, ना उसकी करियर आगे बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली उसको पैथोलॉजिकली इफेक्ट तो आएंगे. फंडामेंटली दे क्रिएट द पैथोलॉजिकल इफेक्ट ऑन द हेल्थ. असेसमेंट ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस एंड वॉलंटरी का मतलब है कि कैसे जो है आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और असिस कर सकते हैं कि ये चीजें करके जो है कौन कौन से स्ट्रेस होते हैं. प्रोवाइड द मेजर्स फॉर थियोरेटिकल मॉडल लिंक वर्क रिलेटेड स्ट्रेस एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एक्सपीरियंस बाय द वर्क. एम क्या होता है कि अवेलेबल वर्क जो आपका काम है वो जो स्ट्रेस जहां से आ रहा है उसको कैसे डील करें. स्ट्रेटर्स डेफिनेटली या तो मेंटली फिजिकली साइकोलॉजिकली वो जो आ रहे हैं वर्कर के ऊपर, कोई भी स्ट्रेस हो, फिजिकली हो, मेंटल हो, ऑक्यूपेशनल हो, कोई भी स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल स्ट्रेन जो आ रहे हैं उसको डील कैसे करना है, उसको मेजर कैसे करना है कि हाँ ये असेसमेंट है. बेसिकली ये मॉडल है जिसको ऑक्यूपेशन स्ट्रेस जो है इन्वर्टर मॉडल बोलते हैं. बेसिकली उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, ठीक है, एम आइडेंटिफाई कैसे करना है, कॉपिंग कैसे करनी है, कॉप कैसे करना है. तो ऑक्यूपेशन स्ट्रेस इन्वर्टर जो है तीन डायमेंशन के ऊपर ऑक्यूपेशन एडजस्टमेंट वर्क करता है. वो कैसे, ऑक्यूपेशन स्ट्रेस जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहां से जो स्ट्रेस है, साइकोलॉजिकली जो आपको मेंटली प्रॉब्लम और कॉपिंग रिसोर्सेज, तीन तीन डायमेंशन के ऊपर कि आपको कॉप किससे करना है उस चीज को. अगर वर्क जाता है, आपको सपोर्टिव नहीं ऑर्गेनाइजेशन, आपको सैलरी नहीं है, आपको कॉप उस रिसोर्सेज से कैसे करना है. अगर काम बहुत ज्यादा है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं और 10 ऑफिस के वर्कर्स हैं और एक प्रिंटर है, तो उसको कॉप कैसे करना है कि आपको बार बार उठ के एक प्रिंटर के ऊपर जाके काम करना होता है, जैसे चीजें कम होती है वो भी इट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रेस, तो कैसे इस चीज को स्ट्रेस वर्क आउट करना है. दे आर द थ्री लेवल ऑफ इंटरवेंशन यूज्ड टू इंप्रूव द वर्क एनवायरमेंट. तीन लेवल है जो आप वर्क एनवायरमेंट को इम्प्रूव कर सकते हो, आपकी जो मस्कुलोस्केलेटन डिसऑर्डर है उससे बच सकते हो, डिसेबिलिटी बच सकती है. ठीक है, कैसे. पहला प्रिवेंशन द एम एट द रिडक्शन द वर्क कंसर्न. दूसरा है प्रिवेंशन टू एम द इंक्रीज द इंडिविजुअल एबिलिटी कोप द स्ट्रेस एंड चेंज इंडिविजुअल रिहैबिलिटेशन ऑफ द एम्प्लॉय. ये तीन चीजें जिससे आप वर्क रिलेटेड डिसऑर्डर से बच सकते हैं. ठीक है, Landstrom described किया था कि research-based model for creating good work organization based on psychological intervention.
डेफिनेटली एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो आपकी साइकोलॉजिकल सोशल इंटरवेंशन के ऊपर बेस करेगी. ऑप्टिमाइज द क्वांटिटेटिव वर्कलोड, क्वालिटेटिव वर्कलोड एम्फसाइज्ड. इसका मतलब है डेफिनेटली क्वालिटेटिव वर्क होगा, क्वांटिटेटिव वर्कलोड होगा, तो उसको कैसे एम्फसाइज कर सकते हैं. ठीक है, उसको अगर करेंगे तो डेफिनेटली वर्क एनवायरमेंट अच्छा होगा. कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज क्या करती है, आपकी फोकस ऑन द सोर्स ऑफ स्ट्रेस. सोर्स कहाँ से आ रहा है, आपका स्ट्रेस का सोर्स जो है वो आ कहाँ से रहा है, उसको कैसे कॉप करना है, उसको एडिबल स्टाइल से कैसे सिम्टम्स आ रहे हैं जो आपके पेन मैनेजमेंट को इम्प्रूव करें. रिलैक्सेशन आप टेक्निक अप्लाई करें, स्ट्रेस रिलैक्सेशन वर्क आपका वहीं पे हो, और आप जो स्ट्रेसर जो स्ट्रेस आ रहा है उसको वर्क मैनेजमेंट से आपके रिलैक्सेशन टेक्निक जो आपको बायो फीडबैक कैसे आप उसको. दीज आर द बेसिकली थिंग्स विच इज यूर इम्प्रूव द वर्क वर्क एनवायरमेंट. लियोन टेम्परे कोलीग्स जो है पांच स्टेप प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइजेशन है एम्प्लॉय और एक्टिवली पार्टिसिपेट उनके लिए. फर्स्टली आपका कैसा इंटरवेंशन होगा, डेफिनेटली आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो. ऑर्गेनाइजेशन गेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू कमिट, आइडेंटिफाई द जॉब यूजिंग द एवलेट फॉर्म, डेवलपिंग द एक्शन टू प्लान द इम्प्रूव द वर्क एनवायरमेंट इन द स्ट्रेस प्लान, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्शन प्लान, एवल्यूशन ऑफ द एक्शन प्लान, सक्सेस एंड द फॉलोइंग. दीज आर द पांच स्टेप्स हैं जो लेवे ट्रैमले कुलीग ने ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय का एक्टिवली पार्टिसिपेट होता है. तो आप उसको जो स्ट्रेस है जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा एनवायरनमेंट है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, उससे बोला था कि पांच स्टेप हो सकते हैं. कि ऑर्गेनाइजेशन तो डेफिनेटली गेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन कमिट के जॉब की फॉर्म को एवलुएट कैसे करना है, एक्शन को प्लान करना है कि स्ट्रेसफुल एरिया को कैसे हम इम्प्रूव करें, एक्शंस को इम्प्लीमेंटेशन करना है कि हाँ जो है ना वो जो एक्शन हमने प्लान किए हैं उसको कैसे इम्प्लांट करें, और एवलुएट करें कि हाँ जो हमारे जो एक्शन प्लान है वो सक्सेस जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, और उसको फॉलो अप में रखें. दीज आर द बेसिकली साइकोलॉजिकल फैक्टर वर्क रिलेटेड मस्कुलर डिसऑर्डर्स.